ये वाला इस वक्त जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये येलो कलर का सिलेंड्रिकल सेल है, इसको प्रिज्मेटिक सेल बोलते हैं। ये मशीन पहले इन सेल्स को कंप्लीट चार्ज करेंगी और फिर उसके बाद कंप्लीट डिस्चार्ज। अगर ये डिफरेंस होता है तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी और ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में इन सेल्स के अलग अलग बैच बनाकर रेडी कर देती है। यहाँ पर ऑपरेटर को एक फुट पैडल प्रोवाइड किया गया है जिसको वो बार बार प्रेस कर रही हैं वेल्ड करने के लिए। ऊपर से एक रोबोटिक आर्म पहले पूरे सेटअप को एनालाइज करता है और उसके बाद लेजर वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। ये है स्मार्ट BMS। ये BMS आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के जरिए और आप अपने फोन में बैटरी का सारा डेटा चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। मेरे हाथ में जो ये आप देख रहे हैं UTL कंपनी की लिथियम बैटरी है। एक ये छोटी सी बैटरी है, इसका शेप अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से इनका जो शेप साइज है वो चेंज होता रहता है। ई व्हीकल्स जो हमारे आजकल चल रहे हैं, स्कूटी बाइक, उन सब में भी इनका यूज़ होता है। ई रिक्शा में इनका यूज़ होता है और आजकल घर पर सोलर की जो बैटरीज हैं वो भी लिथियम बैटरीज बनने लगी हैं तो उसमें भी इनका यूज़ होता है। यूज़ कोई भी हो, लिथियम बैटरी को बनाने का तरीका सबका सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिथियम बैटरी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कैसे एक लिथियम बैटरी बन के रेडी होती है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक लिथियम बैटरी बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो इनमें लिथियम सेल्स का यूज़ होता है, सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए सेल होल्डर का यूज़ होता है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए निकल स्ट्रिप का यूज़ होता है, इन सेल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है जिसको BMS बोलते हैं, अलग अलग टाइप के वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, DC वायर की ज़रूरत पड़ती है, सेंसर वायर की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलेशन के लिए पेपर लगाया जाता है जिसको बार्ले पेपर भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स की टेप का यूज़ होता है जैसे FRP टेप, कैप्टन टेप, फिलामेंट टेप, डबल साइडेड टेप एट्सेट्रा, और बैटरी के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ होता है। हार्ड बॉडी में बैटरी चाहिए तो स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील या फिर प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ होता है। अगर सॉफ्ट बॉडी में बैटरी चाहिए तो इपॉक्सी फाइबर ग्लास, FRP शीट, हीट श्रिंक स्लीव, इनका यूज़ होता है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैटरी किस टाइप की बॉडी में चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि किस टाइप के सेल का यूज़ होता है। तो लिथियम बैटरी अलग अलग साइज़ की और अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके अंदर मल्टीपल टाइप के सेल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ये वाला इस वक्त जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये येलो कलर का सिलेंड्रिकल सेल है, छोटा साइज़ का, इसको निकल मैंगनीज कोबाल्ट लिथियम आयन सेल बोलते हैं, शॉर्ट में NMC सेल इसको बोला जाता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 18650। 18 का मतलब है यहाँ पर इस सेल का डायमीटर जो है 18 mm, और 650 है इसकी लेंथ जो कि है 650 mm। इसके बाद 3.2 वोल्ट का ये सेल है और 9 Ampere-hour की इसकी पावर है। ये वाले टाइप का जो सेल है इससे जो बैटरी बनती है वो ज़्यादातर ई स्कूटी में यूज़ होती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक साइकिल में जो बैटरी होती है वो इन्हीं टाइप के सेल से बनाई जाती है। ऐसे ही कुछ और सेल होते हैं, ये वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिल्वर कलर का सिलेंड्रिकल सेल है, ये LFP सेल इसको बोलते हैं। इसका भी सेम 32 mm का डायमीटर है और 3.2 वोल्ट का सेल है ये भी, लेकिन इसकी जो पावर है वो 15 Ah है, 15 Ampere-hour इसकी पावर है, और इससे जो बैटरी बनती है उसका यूज़ सोलर में भी किया जाता है और ई रिक्शा में भी किया जाता है। इसी तरह से ये ब्लू सिलेंड्रिकल सेल आप देख रहे हैं, ये वाला सेल काफ़ी कॉमन है। आपने जब भी लिथियम आयन बैटरीज देखी होंगी ज़्यादातर बैटरी इसी सेल से बनाई जाती हैं। तो ये वाला भी एक LFP सेल है, 32650 इसका मॉडल नंबर है, जिसमें 32 mm इसकी डायमीटर है और 650 या 700 mm आप इसकी लेंथ कह सकते हैं। 3.2 वोल्ट का सेल है ये भी, 6 Ampere-hour इसकी पावर है और इससे जो बैटरी बनती है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक स्कूटी में। फिर ये बड़े बड़े ब्लू रेक्टेंगुलर सेल होते हैं, आपने देखे होंगे, इसको प्रिज्मेटिक सेल बोलते हैं, और इसके अगर मैं पावर की बात करूँ तो 100 Ampere-hour की इसकी पावर है और इसका यूज़ होता है ई रिक्शा में या फिर सोलर की जो बैटरीज बनती हैं वो भी ज़्यादातर इन्हीं सेल से बनती हैं। सेल कोई सा भी हो, इन सभी लिथियम सेल्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और अलग अलग एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड कैपेसिटी। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी बनाने के प्रोसेस की। तो ये जो लिथियम बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स मैनुअली भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमने जो आज ये प्लांट कवर किया है उसमें हर एक स्टेप के लिए ऑटोमेटेड मशीन है। तो जो आप ये प्रोसेस देखेंगे ये एकदम एडवांस प्रोसेस होगा जिसमें आपको मशीन की वर्किंग भी अच्छे से समझ आ जाएगी। लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला स्टेप होता है सेल ग्रेडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मशीन्स हैं, उनमें इन सेल्स को लगाकर रखा गया है और ये मशीन पहले इन सेल्स को कंप्लीट चार्ज करेंगी
और फिर उसके बाद कंप्लीट डिस्चार्ज। ये प्रोसेस किया जाता है सेल्स को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कैटेगराइज करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो सेल्स हैं ये बाहर से अलग अलग प्लांट से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इनकी कैपेसिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3.2 वोल्ट के सेल हैं, तो डेसिमल में जितना आगे तक हम चेक करेंगे इनमें उतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे 3.22, 3.24, 3.27 है तो सारे 3.2 वोल्ट के, लेकिन उसके आगे भी माइनर सा डिफरेंस है इन सब में। और अगर आप एक बढ़िया लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस होता है तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए इन सेल्स को मल्टीपल टाइम्स चार्ज डिस्चार्ज करके इनकी कैपेसिटी, इंडिविजुअल सेल रिपोर्ट और सेल की लाइफ साइकिल टेस्ट करी जाती है, और उसके बाद इनको मैच करवाया जाता है इनके जैसी सेम कैपेसिटी के सेल के साथ। कोशिश यही करी जाती है कि माइनर डिफरेंस भी ना हो इन सेल्स में। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 6 घंटे लगते हैं और ये पूरा प्रोसेस कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसको बोलते हैं सेल सॉर्टिंग। ये भी बिल्कुल सेल ग्रेडिंग की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्स को चार्ज और डिस्चार्ज नहीं किया जाता। इस प्रोसेस में इन सेल्स को वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है। इस मशीन में इन सेल्स को डाला जाता है और ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में इन सेल्स के अलग अलग बैच बनाकर रेडी कर देती हैं। आपको बता दूं कि इंडिया में काफ़ी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो चाइना से सेल इंपोर्ट करती हैं और सेल ग्रेडिंग और सेल सॉर्टिंग जैसा प्रोसेस फॉलो ही नहीं करती। सीधा सेल उठाया और बैटरी बनाना शुरू, तो उनकी बैटरीज की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। तो जब भी आप लिथियम बैटरी खरीदें अपने ब्रांड के असेंबली प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बार्ले पेपर लगाने का। ये एक इंसुलेशन पेपर होता है जिसे सेल पर लगाया जाता है ताकि बैटरी में इंटरनल शॉर्ट सर्किट ना हो। ये काम मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मशीन भी आती है जिसको बोलते हैं ऑटो इंसुलेटिंग स्टिकर पेस्टिंग मशीन। इस मशीन में सारे सेल डाले जाते हैं और ये मशीन उन पर बार्ले स्टिकर लगा देती है। अब ये सेल रेडी है बैटरी बनाने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इन सेल्स को एक साथ अरेंज करने का। इसके लिए सेल होल्डर का यूज़ होता है। ये छोटे छोटे स्क्वायर पीसीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जितने सेल की बैटरी चाहिए उतने सेल होल्डर्स आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर सेल लगा सकते हैं। इसकी दो लेयर लगती हैं, एक सेल के बॉटम में और एक सेल के टॉप में। इसमें आप चाहें तो सेल्स को एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके टर्मिनल्स इंटरचेंज करके उनको सीरीज में ही लगा सकते हैं। ऐसे कितने भी कस्टमाइज पैटर्न आप बना सकते हैं इन सेल होल्डर्स की मदद से। जब एक बार आपका बनाया सेल का कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है तो फिर उनको सोल्डर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार इनको विजुअली चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि जो सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो सही तरीके से लगे हैं या नहीं। क्योंकि अगर एक सेल भी गलत लगा है तो उससे पूरी बैटरी खराब हो जाएगी। तो इसे चेक करने के लिए यूज़ होती है CCD इंस्पेक्शन मशीन। ये मशीन काफ़ी सिंपल है, आपको अपना बैटरी पैक इसमें रखना होता है और इस मशीन में मल्टीपल कैमराज लगे होते हैं जो बैटरी पैक की डिजिटल इमेज प्रोसेस करते हैं। ये मशीन काफ़ी सारा डेटा चेक करती है जैसे पिक्सल्स, ब्राइटनेस, कलर और इससे जुड़ी दूसरी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इसमें लगी हुई स्क्रीन में आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है। ये काम मैनुअली भी हो सकता है, लेकिन मशीन से ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है और एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। एक बार ये CCD टेस्ट पास हो जाता है तो फिर ये सेल्स रेडी हैं वेल्डिंग के लिए। स्पॉट वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए निकल स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है और ये काम मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक मशीन के साथ भी। इस मशीन का नाम है ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन, और आपने जो बैटरी पैक बनाकर रेडी किया है वो आपको इसमें रखना होता है और ये मशीन कंप्यूटराइज्ड है, ऑटोमेटिकली निकल स्ट्रिप को सेल्स के टर्मिनल पर वेल्ड कर देती है। ये दूसरी मशीन जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। यहाँ पर ऑपरेटर को एक फुट पैडल प्रोवाइड किया गया है जिसको वो बार बार प्रेस कर रही हैं वेल्ड करने के लिए, और इसमें बैटरी पैक को स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए मैनुअली एडजस्ट किया जाता है। एक और टाइप की वेल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं लेज़र वेल्डिंग। ये जो बड़े वाले सेल्स आप देख रहे हैं इनके लिए इस वेल्डिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। हर टाइप के वेल्डिंग मेथड के अलग बेनिफिट्स होते हैं और उनकी अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। किस टाइप के मटेरियल को वेल्ड करना है उसके हिसाब से अलग अलग वेल्डिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड में भी आप देख सकते हैं कि बैटरी पैक को मशीन में सेट कर दिया जाता है और उसके साथ निकल स्ट्रिप लगा दी जाती है।
उसके बाद ऊपर से एक रोबोटिक आर्म पहले पूरे सेटअप को एनालाइज करता है और उसके बाद लेज़र वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। और आप ये सारी चीज़ एक कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं। और फाइनली आपको इस तरह से आपका बैटरी पैक मिलता है। एक बार जब वेल्डिंग का काम फिनिश हो जाता है तो उसके बाद बैटरी पैक को एक बेसिक केस के अंदर सेट कर दिया जाता है। ये केस इपॉक्सी शीट, इंसुलेटर पेपर और अलग अलग टाइप के टेप से मिलकर बना है। ये बैटरी की फाइनल बॉडी नहीं है, लेकिन BMS लगाने से पहले उसको इस तरह से रेडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है BMS लगाने का। BMS की फुल फॉर्म होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक कंप्यूटर सर्किट है जिसको बैटरी के अलग अलग स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका काम होता है बैटरी में लगे हुए सेल्स को मॉनिटर करना, वो ठीक से चार्ज हो रहे हैं या नहीं, ठीक से डिस्चार्ज हो रहे हैं या नहीं, हीटिंग इशू तो नहीं क्रिएट हो रहा, कुछ और फॉल्ट तो नहीं है बैटरी में। कुल मिलाकर लिथियम बैटरी का ब्रेन होता है BMS, जो बैटरी सेल के प्रोटेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटरिंग का काम करता है। मार्केट में दो टाइप के BMS अवेलेबल हैं, एक होता है नॉर्मल BMS और दूसरा होता है स्मार्ट BMS। ये वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है नॉर्मल BMS। इसमें से मल्टीपल सेंसर वायर्स निकलते हैं और उनको बैटरी के स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो आप अब मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है स्मार्ट BMS, और इसमें से भी मल्टीपल सेंसर वायर्स निकलते हैं और उनको बैटरी के स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसके साथ आप एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये BMS आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के ज़रिए, और आप अपने फ़ोन में बैटरी का सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जैसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वैसा BMS बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये बैटरीज फाइनली बनके रेडी हैं और इनको इनकी बॉडी में डालना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बार इनको टेस्ट करके देखा जाएगा कि ये ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। उसके लिए इनको इस कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जो बैटरी को एक बार फुल चार्ज करती हैं और उसके बाद फुल डिस्चार्ज, और कंप्यूटर में इसकी पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। इसमें बैटरी की कैपेसिटी और BMS की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है, और एक बार बैटरी ये टेस्ट पास कर जाती है तो फिर ये फाइनली रेडी है यूज़ के लिए। लेकिन उससे पहले इसको हार्ड या सॉफ्ट बॉडी में डाला जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सॉफ्ट बॉडी में ज़्यादातर इपॉक्सी शीट या फिर हीट श्रिंक स्लीव का यूज़ होता है, जहाँ पर बैटरी का वेट कम रखना होता है वहाँ पर सॉफ्ट बॉडी का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर हार्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील या फिर प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ होता है। और फाइनली ये बैटरी अब रेडी है डिलीवर होने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो लिथियम बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। आप किस पर्पज़ के लिए इस बैटरी को यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। आप इसको आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका यूज़ हो रहा है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ई रिक्शा में इनका यूज़ हो रहा है उसमें आप कर सकते हैं, या फिर घर पर जो सोलर बैटरीज होती हैं उनकी जगह पर भी आजकल लिथियम बैटरीज बनने लगी हैं, वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कीजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका सेम है, इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने का। बाकी अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है, लाइक लिथियम बैटरी से रिलेटेड, घर पर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज से रिलेटेड सोलर वीडियोज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। Thank you for watching the video. Goodbye.